शक्तिमान से राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर दिवाकर बोस ने अपील की है कि वो उनके अनुसंधान को पूर्ण करने में उनकी मदद करें। प्रोफेसर बोस का यह दावा है कि ओजोनिका के जरिए वायुमंडल में स्थित ओजोन गैस की सुरक्षा परत में प्रदूषण के कारण होने वाली छेदों की मरम्मत कर सकेंगे, ताकि सूरज से निकलने वाली जो घातक किरणें हैं वो पृथ्वी पर आने से रोक सके। शक्तिमान, आज साइंस को तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारे बिना मेरे आविष्कार ओजोनिका का सफल परीक्षण नहीं हो सकता, और ओजोनिका का परीक्षण पृथ्वी के फायदे के लिए जरूरी है। मुझे विश्वास है कि तुम कल परीक्षण स्थल पर जरूर आओगे। हेलो गीता विश्वास। हेलो गीता। यस। न्यूज़ सुनी? यस सर। साइंस को भी शक्तिमान की जरूरत पड़ने लगी। गीता, ये बात हमारे शक्तिमान विशेषज्ञ के लिए बहुत अच्छी खबर साबित हो सकती है। एक तो साइंटिस्ट का शक्तिमान से मदद मांगना, और दूसरा प्रोफेसर बोस का नया आविष्कार ओजोनिका। अगर ये बात सही है तो हमारी मरती हुई रूह को अमृत मिल जाएगा। इसलिए तुम पर्सनल इंटरेस्ट लेके ये बात जानने की कोशिश करो कि प्रोफेसर बोस का ये ओजोनिका वास्तव में है क्या, और ऐसी कौन सी मदद है जो सिर्फ शक्तिमान कर सकता है। यस सर। गीता, मैं चाहता हूँ कि ये कवरेज हमारे अखबार में सबसे पहले हो। यस सर। वैसे भी प्रोफेसर बोस मेरे पुराने परिचित हैं, उनके साथ इंटरव्यू करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। I'll do that. Okay. राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र। प्रोफेसर बोस, आज मैं आपके दोस्त की बेटी की हैसियत से नहीं, एक जर्नलिस्ट की हैसियत से आई हूँ आपका इंटरव्यू लेने के लिए। क्या बात है, शक्तिमान जैसे पर्सनेज का इंटरव्यू लेने वाली जर्नलिस्ट आज मेरा इंटरव्यू लेने आई है? आई थिंक शायद इसलिए क्योंकि मैंने शक्तिमान से मदद मांगी है। नो, बल्कि इसलिए कि वो आपका ऐसा कौन सा आविष्कार है जिसकी वजह से आप शक्तिमान से मदद लेना चाहते हैं। कई सवालों को मिलाकर के एक सवाल अच्छा कर लेती हो। आओ कैबिन की ओर चलते हुए बातें कर लेते हैं। यस, चलिए। वेल, तुम्हारा पहला सवाल था मेरा आविष्कार। मेरे आविष्कार का नाम है ओजोनिका। ओजोनिका? लेकिन ये है क्या चीज? इसकी डिटेल मैंने अभी तक किसी को नहीं बताई, तुम्हें भी नहीं बताऊंगा। लेकिन इतना समझ लो कि ये एक बॉम्ब जैसी ही चीज है। बॉम्ब? यस, बॉम्ब। दुनिया का पहला ऐसा बॉम्ब जिसका ब्लास्ट लोगों को मौत नहीं बल्कि जीवन देगा। ओजोन की सुरक्षा परत में होने वाले छेदों की मरम्मत करके। वेरी इंटरेस्टिंग प्रोफेसर, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। काश इस दुनिया के सारे बॉम्ब ऐसे होते। काश दुनिया के सारे लोग तुम्हारी तरह अच्छा अच्छा सोच पाते। लेकिन क्या ये अपने आप में अहम सवाल नहीं है? कुछ लोग साइंस का गलत इस्तेमाल करके बॉम्ब और मिसाइल जैसी चीजें बनाकर क्या हासिल कर लेते हैं, उन्हें क्या मिलता है प्रोफेसर? बल्कि अगर वही लोग साइंस का सही इस्तेमाल करें तो लोगों को मौत देने के बजाय जिंदगी दे सकते हैं, इस दुनिया को एक खूबसूरत और खुशहाल जगह बना सकते हैं, है ना? लेकिन गीता, दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट साइंस का गलत इस्तेमाल तब तक नहीं करता है जब तक कि उसे मजबूर न किया जाए, और ये मजबूरी किसी भी तरह की हो सकती है। कभी ये धन दौलत के लालच के रूप में होती है, तो कभी भय के रूप में। आओ अंदर आओ। और इन बम मिसाइलों का आविष्कार भी वास्तव में लोगों को मारने के लिए नहीं होता है। फिर? लोगों पर शासन करने के लिए होता है, ताकि लोगों को डराकर उन्हें गुलाम बनाया जा सके, उन लोगों की तरफ से जिनके पास ये बम या मिसाइल जैसी चीजें हो। मैं भी चाहता तो अपने ओजोनिका में थोड़ा सा फेर बदल करके इसे दुनिया का सबसे घातक बम बना सकता था।
आप ऐसा कभी नहीं करते प्रोफेसर बोस, मुझे पता है। घातक बम, मिसाइल, ये सारी चीजें इस दुनिया में पहले से हैं और इतनी हैं कि इस दुनिया का पूरा विनाश हो सकता है। एक और बम बनाकर आप कौन सा नया काम कर लेते? लेकिन ओजोनिका, ये दुनिया के लिए रियली एक बहुत बड़ा आविष्कार है। यस प्रोफेसर। मगर गीता, इस आविष्कार का मतलब तभी है जब शक्तिमान मेरी मदद करे। लेकिन शक्तिमान आपकी क्या मदद कर सकता है? गीता, मुझे अपने ओजोनिका का ब्लास्ट वायुमंडल में ठीक उसी जगह करना है जहाँ से ओजोन परत पतली होने लगती है, और हमारा अच्छे से अच्छा रॉकेट भी ये काम नहीं कर सकता। अगर ओजोनिका को वायुमंडल में स्थापित करने में जरा सी भी भूल हुई तो बजाय फायदे के नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं शक्तिमान खुद जाकर मेरे ओजोनिका को वायुमंडल में स्थापित करें। और ये काम तुम आसानी से कर सकती हो गीता। मैं? हाँ, हालांकि मैंने टीवी पर शक्तिमान से अपील की थी, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम खुद शक्तिमान से जाकर कहो। मैं? हाँ गीता, क्योंकि तुम्हारे अलावा शक्तिमान तक अब तक और कोई नहीं पहुंच पाया है, इसलिए प्लीज ये काम संपूर्ण मानवता की भलाई के लिए है। शक्तिमान का जन्म मानवता की भलाई के लिए हुआ है प्रोफेसर, इसके लिए मुझे उनसे अलग से कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि आप कह रहे हैं, मैं ये कोशिश करूंगी कि शक्तिमान तक आपकी बात पहुंचा दूं। थैंक यू गीता, थैंक यू वेरी मच। इसकी क्या जरूरत है, ये काम सिर्फ आपका ही नहीं संपूर्ण पृथ्वी के अस्तित्व का है। चलती हूँ। गीता, एक सवाल मुझे तुमसे पूछना था। क्या? तुम्हारा शक्तिमान क्या सचमुच इंसान है? बिल्कुल, आपकी तरह, मेरी तरह। उसके कारनामों को देखकर ऐसा नहीं लगता, इतना शक्तिशाली इंसान। शक्तिमान की शक्तियों के आगे तो विज्ञान की बड़ी से बड़ी ताकत कम है। क्योंकि शक्तिमान के पास विज्ञान की नहीं, आत्मज्ञान की ताकत है। थैंक यू प्रोफेसर, अब मैं चलती हूँ, बाय। अब तुम मेरी गुलाम हो। हाँ, मैं आपकी गुलाम हूँ मेरे आका। आखिर मजबूर कर ही दिया कष्टक ने, 2500 सालों के बाद ही सही तुम मेरी गुलाम बनकर रही कोमलता। बहुत शांति की दूध बनी फिरती थी ना, अब देखो तुम, देखो अब तुम्हें हथियार बनाकर दुनिया में कैसे तबाही का खेल खेलता है कष्टक। सबसे पहले तुम्हारे हाथों उस शांति दूध शक्तिमान की मौत देखना चाहता हूँ, ताकि बाद में ये जानकर तुम्हें बहुत कष्ट पहुंचे कि तुमने अपने ही हाथों अपने प्रेमी का कत्ल कर दिया। जो हुक्म मेरे आका। ये लो, इसमें एक ही गोली है और निशाना भी एक ही, शक्तिमान। जो हुक्म मेरे आका। अब जाओ। जो हुक्म मेरे आका। इस बार बहुत आसान होता जा रहा है सब कुछ, अंधेरा कायम रहेगा।
ये सब क्या है? और मैं यहाँ कैसे आ गई? अच्छा देवी जी, कमाल करती हैं आप। हमसे कहती हैं कि हम अभिनय अच्छा करते हैं। अरे अभिनय तो आप अच्छा कर लेती हैं। अभिनय? हाँ देवी जी हाँ, अभिनय। आई तो थी हमारे प्राण हरने और जब निशाना चूक गया तो अभिनय करने लगी। परंतु क्यों देवी जी क्यों? क्या शत्रुता है आपकी हमसे? पहले हमें शक्तिमान सिद्ध करने की कोशिश करती रही ताकि शक्तिमान के सारे शत्रु हमारे शत्रु हो जाए, और जब उसमें सफल नहीं हुई तो पहुंच गई ये शस्त्र लेकर हमारा वध करने आप। मारने? वो तो भला उस दर्पण का जिसने अपने वक्ष पर आपके इस आग उगलू यंत्र से निकले हुए आग के घोले को झेल लिया और इस पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर रोंकारनाथ शास्त्री को स्वर्गीय गंगाधर विद्याधर मायाधर रोंकारनाथ शास्त्री बनने से रोक लिया। वाह वाह मेरे मित्र, अरे तू कहाँ गिरा पड़ा है? वाह मेरे मित्र, वाह मेरे दर्पण, वाह मेरे मित्र दर्पण, वाह मेरे खानदानी दर्पण। अब मैं अपने इस मुखार बिंदु को सवेरे सवेरे कहाँ निहारूंगा देवी जी? आपने तो इसकी हत्या कर दी। आप हत्यारण है देवी जी, आपको दफा 302 के तहत लटका देना चाहिए आपको। हाँ करने आई थी गंगाधर, लेकिन तुम्हारी नहीं, शक्तिमान की। शक्तिमान की? परंतु फिर आपने हम पर गोली क्यों चलाई? यही तो सवाल है कि मैंने तुम पर गोली क्यों चलाई, जबकि मुझे सिर्फ शक्तिमान को मारना था, सिर्फ शक्तिमान को। अभी तो मान जाओ कि तुम ही शक्तिमान हो। वाह देवी जी वाह, हमने कहा ना आपके अभिनय का तो कमाल ही कमाल है। आप अपने वाक्य जाल से हमें फंसाना चाहती है कि हम अपने मुंह से कह दें कि हम शक्तिमान हैं, परंतु देवी जी हम शक्तिमान नहीं है, नहीं है, नहीं है। परंतु देवी जी, आप शक्तिमान भैया को गोली क्यों मारने जा रही थी? मुझे सम्मोहित करके यही हुक्म दिया था कष्टक ने। कष्टक? हाँ, ये वही कष्टक है जो बांगड़ू घाटी के ताबूत से निकला था। वो तुम्हारी जान का दुश्मन बन चुका है शक्तिमान। फिर वही शक्तिमान? अरे देवी जी कितनी बार कहा आपको, आप ये बात जाके शक्तिमान भैया को बताइए कि वो उनके प्राणों का शत्रु बना हुआ है। हमको क्यों बोल रही है बार बार आप? जाइए जाइए, आपने शक्तिमान को बताइए कि वो कष्ट में है। जाइए जाइए। चलो चलो मेरे साथ। कहाँ? कष्टक के पास। देवी जी हमें उस कष्टक की क्या आवश्यकता है, सारे कष्ट तो हमें आपको देख कर ही मिल जाती है। चलते हो के नहीं? चलो। आ गई ना तुम अपनी औकात पर। हमें पता है देवी जी, हमें पता है आप आधे रास्ते में किसी नदी नाले या खंडहर में मारकर गाड़ देगी हमें। चलो गंगाधर, चलते चलते। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब धीरा, जपत निरंतर हनुमत बलवीरा। देवी जी आप रात्रि के समय हमें इस घोर वन में कहां ले जा रही हैं? आपको अगर मानना है देवी जी तो हमें किसी शांत उपवन में ले जाइए ना। वो क्या है ना, हमें रात्रि के समय घोर वन से बहुत भय लगता है देवी जी। हाँ से रोग हरे सब पीरा, चपत निरंतर। देवी जी यदि हम पवन पुत्र हनुमान के परम भक्त नहीं रहे होते ना तो हम आपको बता देते। क्या बताते? यही कि तुम शक्तिमान हो? नहीं, हम पहलवान हैं, हनुमान जी के भक्त पहलवान।
परंतु आज हमारी यही कमजोरी बन गई है। आप ठहरी नारी और हम ठहरे बाल ब्रह्मचारी, हम आपसे भला युद्ध कैसे कर सकते हैं? यदि आपकी जगह कोई पुरुष रहा होता ना, तो हमारा कदापि अपहरण नहीं कर पाता वो। अच्छा, क्या कर लेते तुम? करते ना, हम उसे गुदगुदी कर देते और उसके हाथ का ये आग उगलू यंत्र पकड़ कर फेंक देते हम, और फिर देवी जी पतली गली पकड़ कर हम निकल जाते। हाँ देवी जी, पतली गली पकड़ कर निकल जाते हम। आ देवी जी, बचिए बचिए बचिए। ये आग उगलू यंत्र देख रही हैं आप, ये पीछे गिर गया था यहाँ पर, इसे उठाने के लिए मैं यहाँ आया था। ये लीजिए, धक धक। ये क्या कर दिया हमने? ये तो एक बार फिर से आप हमारे प्राणों के शत्रु हो गई। हमसे बड़ा बुद्ध कोई नहीं होगा। आगे आके बैठो, चलो। अब तो बैठना ही पड़ेगा। आपके हाथों में आग उगलू यंत्र एक बार फिर से जो आ गया है, हमारी मोटी बुद्धि जो ठहरी, अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मार ली हमने। नसे रो घरे सब पीरा, जब निरंतर मत बलवीरा, संकट से हनुमान जुड़ावे मंत्र बड़ा। क्या हुआ, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? ओहो, तो हमारा बलि स्थल आ गया जहां पर आप हमारी बलि चढ़ाएंगी। 100% देखो, अभी हम बाहर निकलेंगे। रिवॉल्वर मेरे पर्स में है, अगर तुमने जरा सी भी चालाकी करके भागने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी, समझे? अभी चलो। समझ गया, यानी अगर हमने चालाकी दिखाकर भागने की कोशिश की तो आप हमें गोली मार देंगे। बिल्कुल। तो ठीक है, हम अगर बिना चालाकी दिखाए भाग लें तो चलेगा आपको? तब भी मैं तुम्हें गोली मारूंगी, समझे? चलो। अरे, ऐसे भी गोली मारेंगी, वैसे भी गोली मारेंगी, यानी गोली दोनों तरह से मारेंगी, तो फिर हम क्या करेंगे? और यहाँ तो पुलिस है, तब तो गोली नहीं मार सकेंगी आप। आप लोग अंदर नहीं जा सकते। क्यों भाई? क्यों नहीं जा सकते? मैं गीता विश्वास हूँ। हाँ, गीता विश्वास है। आज की आवाज की रिपोर्टर। ये रहा मेरा आई कार्ड। हाँ, मुझे प्रोफेसर दिवाकर बोस से मिलना है। हमें भी मिलना है। कोई फायदा नहीं है मिस गीता। क्यों इंस्पेक्टर काजी? क्योंकि राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र को सील कर दिया गया है। लेकिन क्यों? प्रोफेसर बोस को किडनैप कर लिया गया है। क्या?